पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में सैलानी हरिपुरधार बर्फ का दीदार व लुप्त उठाने आए। हरिपुरधार में आए सैलानियों ने हरिपुरधार में भारी बर्फबारी व हरिपुरधार की सुंदरता का पूर्ण लुप्त उठाया। मगर जब बर्फ का दौर थमने के बाद सड़कों को समय पर बहाल ना किया गया तो सैलानी सरकार व प्रशासन से निराश भी नजर आए। सैलानियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां पर हरिपुरधार में स्थित मां भंगायनी मंदिर में सैलानियों का काफी तांता लगा रहता है। निरंतर हरिपुरधार की सुंदरता व बर्फबारी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, मगर सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को व सैलानियों को मुहैया नहीं करवाई जा रही, जो कि काफी निंदनीय है। सैलानियों ने स्थानीय निवासियों की हॉस्पिटैलिटी की भी जमकर तारीफ की। स्थानीय लोगों द्वारा सैलानियों की काफी मदद की गई, जिसकी सैलानियों ने काफी प्रशंसा भी की। बहुत ज़्यादा किया, बट सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी इंसान के लिए कोई मदद नहीं है। सबसे पहले लाइट की समस्या लगा लो, माता के मंदिर में कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं धर्मशाला में कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चार दिन से लोग फंसे पड़े हैं और अपना मोबाइल चार्ज करके घर वालों को से संपर्क बिल्कुल टूटा हुआ। अगर उनका लाइट की व्यवस्था होगी तो घर वालों से संपर्क होगा और वो उनको संदेश दे सकते हैं कि हम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता पिता बच्चे सबके लिए एक समान होते हैं और सबको अपने बच्चों की फिक्र होती है। बट हमारी जो गाड़ी नीचे बर्फ़ में धंस गई थी, वहाँ पे सामने करियाना वाले हैं, होटल वाले हैं, उन्होंने सारी बर्फ़ खुद हटाई, खुद उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उससे हम बड़े ही खुश हैं। लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है, बट प्रशासन की व्यवस्था कोई नहीं है। एक आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं, प्रशासन को चाहिए कुछ इंतजाम करे, कोई किसी को काट ले या कुछ भी। मैंने देखा रात को एक इंसान के पीछे, एक बुजुर्ग थे 50-60 वर्ष के, उनके पीछे 10-12 कुत्ते लग गए थे। वो तो किसी ने वहाँ पे उनको भगाया तब जाके उनको बचा पाए। तो इन चीज़ों की तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी माता भग्याणी के मंदिर में जो आता है, माता भग्याणी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, और जो भी कहते हैं यहाँ के लोग बताते हैं कि जो भी माता से अपनी मनोकामना मांगता है उसको पूर्ण करती है। और मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग आए भग्याणी माता के दर्शन करें और प्रशासन इस तरफ देखे, क्योंकि लोग बहुत ही, पहले इतना नहीं लोगों को पता था हरिपुर पधार के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत लोगों को पता चल चुका है। तो सभी यहाँ पर आए, माता रानी के दर्शन करें, और हिमाचल वासियों का, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वालों का, हरिपुर पधार वालों का, मैं सबका विनम्र हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है रहने के लिए। अब जो चार दिन से हम रह रहे थे जहाँ पे, उन्होंने हमें बोला कि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं तो कोई बात नहीं, फ्री में रह लेना, लेकिन आज निकलना मत, क्योंकि आज बर्फ़ ज़्यादा है तो रास्ते में आपको दिक्कत आ जाएगी, गाड़ी खाई में गिर सकती है कुछ भी। तो एक औरत ने ये बोला कि मेरे भाइयों जैसे हो आप, मैं अपने बच्चों को कसम खा के कहती हूँ, मैं आपको पैसे के लालच में नहीं यहाँ रख रही हूँ, आप फ्री रहना और मत, मगर आज मत जाना। तो जिन लोगों के भावनाएँ ऐसी हैं, जिनके विचार ऐसे हैं, वो क्या किसी का बुरा सोचेंगे। जैसी भावनाएँ लोगों की हैं, लोगों को तो अपना पर्सनल पैसा होता है, पर्सनल व्यवसाय होता है, मजदूरी होती है, उस पैसे से भी वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, क्या सरकार अपनी उस ग्रांटों से, उस व्यवस्था से यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकती, बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकती? बिजली की व्यवस्था अच्छी है, बट बिजली जाने के बाद बारिश की वजह से, बर्फ़ की वजह से जो बिजली चली जाती है, उसके बाद कोई जनरेटर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए पैसा ना हो। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से व्यवस्था के बारे में वो देखें, सोचें यहाँ के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता भग्याणी के दर्शन करने पे बहुत ही प्रफुल्लित सम्मानित कर रहा हूँ, जय माता भग्याणी की। चंडीगढ़ से दिनेश शर्मा, मैं यहाँ 4-5 दिन से फंसा हूँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ फंस रखी है, ना लाइट है, ना कोई जनरेटर की व्यवस्था है, और ना पानी की है, ना अच्छे ना फैसिलिटी है, ना बर्फ़ हटाने के लिए भी। 4-5 दिन से सब परेशान हो रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यहाँ गटर होने चाहिए, जैसे शिमला में है, भी बर्फ़ फटा जल्दी जल्दी हटाया जाए यहाँ पे, और लोग अपने घर जाया जा सके घूम के। यहाँ पे ना लाइट की है, ना जनरेटर, ना कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना घर वालों से कोई संपर्क हो पाता है,
ये भी नहीं बता सकते भी हम ठीक है कहाँ फंसे गए हैं, ठीक है ना। तो सरकार को यही है भी जल्द यहाँ गटर होने चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आगे लोग हम जाएंगे तो आगे और कोई बताए तो तभी यहाँ पे आवाजाही ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ के अगर जितनी सुविधा होगी उस अनुसार यहाँ लोग भी आएंगे। हरिपुर धार थे सर, ठीक है सर। हम थोड़ा सा ऊपर आ गए जिस टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे भी ऊपर आए मंदिर की तरफ, 4-5 दिन लगातार मतलब की बर्फ़ में, ऐसा हो गया सर आने जाने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं रही यहाँ पे। और हमारी गाड़ियाँ फंस गई हैं यहाँ पे, लाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे सर, जिससे हम मोबाइल चार्ज कर सकें और अपने घर वालों से कॉन्टेक्ट कर सकें। सारे परेशान हो रहे हैं वहाँ पे भी, हम भी यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे सब परेशान हैं यहाँ पे। मतलब कि प्रशासन ने यहाँ पे कोई भी खास सुविधा नहीं की हुई है, यहाँ पे कोई भी जनरेटर की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट आए भी अपना फ़ोन चार्ज करके अपने घर वालों से बात कर सकें, उनको थोड़ा सहानुभूति दे सकें भी हम ठीक हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी वो नहीं है सुविधा सर, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है सर यहाँ पे। हमको 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे, कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे बिल्कुल भी। ओके सर। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए हरिपुर धार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट।